हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ एंड मेरे पास इतना फारिग टाइम है, इतना फारिग टाइम है, इतना फारिग टाइम है, मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसको। यस लाया। सो यू नो, हाय, क्या बना रहे हैं आज? बिरयानी बना रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि मुझे नहीं आती बनानी, तो थैंक्स टू द पैकेट, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है हमें क्या बनानी है एंड कटिंग शटिंग हम स्टार्ट कर देंगे। आलू, मैंने ना बिरयानी में आलू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत गुस्सा आता है जब आलू सख्त रह जाता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फैक्ट कि जिंदगी में ना आपको कुकिंग बना करनी आनी चाहिए, वरना आप फंस जाते हैं। सो इसमें लिखा है 3.5 कप राइस, लेकिन मैं 3.5 कप नहीं लूँगी, मैं 2 कप लूँगी, बिकॉज हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं। यू नो अला शो नहीं करो, एंड आपको पता है कि यू नो फिर ये लोग पुराना खाना नहीं खाते, और इन लोग को रोज़ रोज़ नया खाना चाहिए, और थक जाते हैं कि मामा बार बार एक ही कीमा देती हैं। हाँ, कितने दिन कीमा खाया? 3 दिन कीमा खाया है। तो अब मैं स्मार्ट हो गई ना, पहले मुझे पता नहीं था कि भाई कितना बनाओ क्या करो। पहले मैं क्या करती थी कि मैं पूरा मुर्गी पूरा कीमा बनाती थी, अब मुझे समझ आ गया नहीं सना हम आधी मुर्गी बनाएंगे आधा कीमा बनाएंगे, क्योंकि फिर ऑब्वियसली बंदा बोर हो जाता है। तो मैं सिर्फ 2 कप राइस ले रही हूँ, और सारे वहाँ एक्सपर्ट बैठ के मुझे जज करेंगे, बट यार मैं भी बन जाऊंगी कल एक्सपर्ट, आई एम टेलिंग यू, जिस स्पीड पे मैं जा रही हूँ ना ब्रो। ठीक है, अब हमने राइस सोक कर दिया है। प्याज के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ सफ़ेद प्याज मिलती है जिसको स्वीट अनियन कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है और उससे आंसू नहीं आते, लेकिन जो हमारी लाल वाली प्याज है ना, लाइनर बह जाएगा, मस्कारा निकल आएगा, उफ बहुत उससे आंसू आते हैं। आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, मुझे बताया क्या क्या चीज़ें मुझे क्या क्या चीज़ें मुझे खरीदनी चाहिए जिससे मेरी लाइफ आसान हो जाए और मेरा टाइम बचे, बट अभी मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं चीज़ें खरीदूँ, बट आई विल स्लोली स्लोली बाय इट। सो नाउ आई हैव दीज टमाटर्स। टमाटर में बोला है कि 3 से 4 टमाटर, 2 से 3 टमाटर डालो, बट नहीं यार, ये देखें इसमें क्या लिखा है, 2 से 3 टमाटर। सी, बट लास्ट टाइम मैंने 2 से 3 टमाटर डाले थे तो कुछ मिसिंग था, तो इस दफा मैं 6 टमाटर डाल रही हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टोमेटोज। सो यहाँ मेरे घर के करीब ना एक देसी स्टोर है जहाँ हर चीज़ मिलती है, विच इज़ अमेजिंग, मतलब आपको सारी इंडियन खाने, पाकिस्तानी खाने, सब कुछ मिलेंगे, आपको अलाया भी मिल जाएगी उधर, और वहाँ बड़े मज़े के पाकिस्तानी गाने और इंडियन गाने लगे होते हैं, तो वाइब भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में ये आसानी थी कि भाई सज्जाद टमाटर ला दो, प्याज ला दो, प्याज खत्म हो गए रशीद चाचा, इमरान ये कर दो, मतलब यहाँ ये वाले नहीं है, यहाँ सनम ये ले आओ, सनम वो ले आओ, चलो अलाया चलते हैं। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसकी, और हमारे पास कोई नहीं है, और हम दोनों यू नो म्यूचुअल अग्रीमेंट से क्यूजे फंक 88 फ्लाई कर रहा होता है, और कल का सामान आ रहा है जिसके चक्कर में हम बना रहे हैं बिरयानी। लिखा है कि 2 मीडियम प्याज हमने इस्तेमाल करनी है, तो मैं 2 ये प्याज, ये मीडियम सही ना, वैसे तो मीडियम ही है, लेकिन बस मेरे पास ये प्याज है, सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस। ये जो पहली वाली प्याज थी ना, ये इतनी बुरी नहीं थी, ये जो दूसरी वाली प्याज है बहुत बुरी है, ये बहुत तेज है, इससे मेरे आँखों में मिर्ची जल गई। अच्छा, इसके भी कोई हैक्स होंगे ना लोगों के पास, प्याजों के भी हैक, बच गए, प्लीज़ ये वाले हैक्स भी मुझे बता दें ताकि मुझे पता चल जाए एंड इट गेट्स ईजियर फॉर मी। बिरयानी मसाला चिकन में मिला देना है, ठीक है। पोटैटोज, योगर्ट, योगर्ट कितना डालना है, आधा कप योगर्ट, लेकिन पहले लेट्स स्टार्ट विद 2 टेबलस्पून जिंजर, 2 टेबलस्पून गार्लिक, ओके, 1-2 टेबलस्पून जिंजर, ठीक है, मैं भर के डाल दूँ, और 2 टेबलस्पून गार्लिक, ख़त्म होने वाला भाई और लाना पड़ेगा, 2 टेबलस्पून गार्लिक, ठीक है।
चावल उबालने जा रही थी, फिर मैंने एकदम देखा कि मेरे पास नमक खत्म हो गया। ऐसी सिचुएशन में रात के 11 बजे मैं नमक कहाँ से लाऊं? पर इज इट रियली इम्पोर्टेंट अगर मैं चावल में नमक ना डालूं तो गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी? या इज इट गोना बी ओके? नमक लेने जा रहे हैं हम लोग रात के 11 बजे खाना। क्यों क्यों मैंने डांटा ये बताओ? टमाटर पे चढ़ गई, फिर हुआ क्या? कारपेट पे? कारपेट, हाँ, व्हाटएवर। 10:30, नो फूड, नो नमक, गोइंग टू गेट नमक एंड चलो चलो जल्दी से बैठो, लाने से पहले बंद जाएगा क्रोगर। वैसे मैं क्रोगर गई थी आज, लेकिन मुझे नमक वाला मुझे दिख ही नहीं रहा था, स्पाइसेस वाला सेक्शन। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, कल का शाम आ रहा है, कल उसको बोलेंगे नमक लेके आ जाए। सो काश कि मैं ऐसा ना करती, काश कि मैं खुद ले लेती, मगर काम चोरियाँ ना आपको भारी बढ़ाती है। ओके जी, क्रोगर आ गए हैं। ऐसे मौकों पे ना मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है, जब आपको लिटरली भाग के एक एक चीज़ खुद करनी पड़ती है। मतलब यहाँ भी कोई होता तो कोई ना कोई पाकिस्तान में हमारे लिए आता। तो चलो भाई, लेट्स टेक यू इनसाइड क्रोगर एंड लेट्स फाइंड सॉल्ट। नमक ले लिया, लेकिन अब इनकी फरमाइश स्टार्ट हो गई है तो पता नहीं क्या क्या न्यूटेला भाई। ओके चले जी, तो फिर कंप्लीट करते हैं अपनी बिरयानी। मसाले में लिखा हुआ है कि आप 3.5 टेबल स्पून डालें चावल के अंदर नमक, लेकिन मैंने 1.5 डाला है, बिकॉज मैंने 2 कप चावल लिए। यूजली इसके अंदर जो चावल का फिगर है वो है 3.5। एवरीथिंग वाज फाइन। क्या खुशबू आ रही है अभी से। इट सेज के 5 मिनट स्टिर फ्राई करना है, उसके बाद फिर बाकी का काम बाद में। फिर टमाटर डालने होंगे एंड आई थिंक फिर दो ग्लास पानी और फिर हो जाएगा। चावल पक गए, ठीक है। दिस से कि एक कन्नी रह जाना चाहिए, राइट, कि सॉर्ट ऑफ पूरा पका हुआ ना हो, थोड़ा सा रहता हो। मिनिमलिस्टिक लिविंग कम से कम में किस तरह मैनेज करना है वो मुझसे सीखिए। जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो, दिस इज़ हाउ यू लिव एंड आप सर्वाइव कर लेते हो। एक्चुअली जब आपके ऊपर पड़ती है ना इंसान के ऊपर, तो इंसान सब सीख जाता है, सब समझ जाता है, उसको सब पता होता है क्या करना है। सो आई एम एक्चुअली हैविंग फन। अभी मैंने आलू डाल दिए एंड आई एम जस्ट वेटिंग थोड़ा सा और ये कम हो, थिक हो मसाला, तो फिर मैं इसमें डाल दूँ। आई थिंक मैंने तेल बहुत डाला है और चलो कोई बात नहीं, आई जस्ट स्टार्ट विद व्हाटएवर। तीसरा लेयर है अब तो, मेरे पास पतीली में भी जगह नहीं है। आई एम सरप्राइज कि ये ऐसा कैसे हो गया। यूजली तो 2 लेयर में पैक हो जाती है, बट दिस टाइम आई डोंट नो, या तो मैंने आलू ज़्यादा किए हैं, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट इस दफ़ा मसालेदार होगी, दैट आई नो फॉर। दिस इज द लास्ट लेयर, सो आई एम जस्ट गोना पुट एवरीथिंग इन, क्योंकि इसके बाद ना जगह है पतीली में, ना ही मेरे पास कोई आइडिया है कि इसके साथ क्या करूँ मैं। एज ए सालन भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? आप लोग यही कहेंगे ना कॉमेंट्स में, बट अब यार इसको ख़त्म करते हैं, थक गए। कब से बिरयानी बनी चली जा रही है, अब इस मेरी तो पतीली में इतनी जगह भी नहीं कि मैं इसके ऊपर चावल डाल के फिर इसको दम दूँ। आई नीड अ बिग, मतलब कि पतीली टाइप थिंग ना, वो मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है। उफ, टाइम ही नहीं मिलता यार कुछ भी लेने का। सो आई थिंक मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ देखूँ, बट आई थिंक आई गॉट बी आई हैव टू बी मेरे जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन। ऑर्डर ऑनलाइन यहाँ करना बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ चीज़ें इतनी, ये देखो अलाया ने किया, एनी वे यहाँ चीज़ें, दुकानें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, बंदा देख देख के पागल हो जाए। एंड देन यू नो ड्राइविंग, हर जगह आपको ड्राइव करके, मतलब दूर दूर हर जगह एक से दूर। और मेरे पास यू नो छन्नी नहीं थी, तो मैंने इसको एयर फ्रायर वाली चीज़ इस्तेमाल की थी, बस उसमें जो बच्चे कुछ चावल है, मुझे उस तरह पूरे नींबू नींबू नींबू। ओके
सब लोग कहेंगे हाय हाय किस तरह हाथ से करिए, बट भाई नहीं आता नहीं आता, क्या करें, इसी तरह सीखेंगे। थोड़े से चावल इसमें रह गए हैं, इसको भी डाल देते हैं। एंड अब दम करने के लिए मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, मैं बस इसी तरह दम कर रही हूँ ऊपर इस पर वो लगा के। क्या ओवर एंड आउट गाइस, मेरी बिरयानी बन गई है। कैसी बनी है मैं कल खाऊंगी, तो मैं आज बनाई थी ताकि कल के लिए, सो आप समझे अच्छी बनी है, इसी से अंदाजा लगा ले कैसी बनी है। सो दिस इज इट, आई एम डन विद द बिरयानी, लॉट्स ऑफ लव, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। इट इज 12 राइट नाउ, आई एम गोइंग टू स्लीप।